नमस्कार सभी पेंशनधारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आज आ गई है पीसीडीए सी की तरफ से फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वन टाइम जो पेमेंट का पूरे एरियर का उस पर जो है फाइनली सर्कुलर जारी कर दिया है पीसीडीए ने ऑफिशियल मुहर लग गई है आप सभी का एरियर जो है वो अब आपको एक बार में ही सारा का सारा मिलेगा जिनकी पहली किस्त आ चुकी है अब उनकी बची हुई तीनों किस्त एक साथ में क्रेडिट होंगी दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से पूरा प्रोसीजर और पी का ऑफिशियल ये सर्कुलर इसके बारे में डिटेल से जानेंगे अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को जरूर से दबा लें जिससे कि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं पीसीडीए की तरफ से 28 फरवरी 2023 को ये सर्कुलर आउट किया गया है जिसमें सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन डिवीजन का दिया गया है और रेफरेंस दिया गया है सिक्स 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 जो सर्कुलर नंबर था छः सौ छसठ सर्कुलर नंबर का इसमें रेफरेंस दिया गया है जो वन रैंक वन पेंशन का था तो दोस्तों इसमें हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन को फाइनली जो है पीसीडीए की तरफ से ऑफिशियली मुहर दे दी गई है दोस्तों तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो जो सरकार ने फोर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में हमारे पेंशनधारकों को फंसा रखा था इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की हम यहाँ पर काफ़ी सराहना करते हैं क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली और हियरिंग हुई और कल आप सभी को पता ही है सत्ताईस फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को लताड़ते हुए कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वन टाइम इंस्टॉलमेंट वाला सारा का सारा एरियर क्योंकि तो पहले जो उन्होंने गवर्नमेंट ने दिया था उनके अंतर्गत लिबलाइज फैमिली पेंशनर स्पेशल फैमिली पेंशनर और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को दिया गया था लेकिन सभी पेंशन धारकों को, को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हर एक पेंशन धारक को पूरा का पूरा एरियर दीजिए आप वन इंस्टॉलमेंट में ही तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी और यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर भी क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है सत्ताईस फरवरी को हीरिंग थी और आज ही फाइनली ऑफिशियली आप देखिए फुल एरियर पेमेंट के लिए जो है सरकार को यहाँ पर ऑफिशली जानकारी दे दी गई है तो सभी पेंशन धारक यहाँ पर काफ़ी खुश हैं और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के लिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक्स जय हिंद जय भारत ज़रूर से टाइप करें आप देखिए पंद्रह मार्च दो हज़ार तेईस तक पूरा का पूरा एरियर पेमेंट करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं पी की तरफ से ऑफिशियली सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि फुल एरियर वन इन वन इंस्टॉलमेंट यहाँ पर ओ आर ओ पी रिविज़न का फाइनली यहाँ पर पेंशन धारकों की आखिरकार जीत हुई है और सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ते हुए कहा है कि 15 मार्च 2023 से पहले या लास्टली 15 मार्च 2023 तक हमारे सभी पेंशनर्स और जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके खातों में पूरा का पूरा एरियर आना चाहिए तो अब यहाँ पर पेंशन धारकों की जाकर जीत हुई है सभी धारक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने साथी पेंशन धारकों के साथ शेयर जरूर से कर लें फिर मिलते हैं एक नई और ताज़ा अपडेट के साथ तब तक के लिए सभी पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स को जय हिंद जय जै भारत